हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है ईद का सेकेंड डे और हमने की एक और ईद की दावत अटेंड। तो अलकमन टी के घर आए थे हम सब, यहाँ से हम लोग गए थे, वहाँ से जेबा शोएबा हादिया जारा और भी कजिन्स आई हुई थी। अभी ना जा रही है अपने घर, है ना? कब आओगे? याद करोगी हमको? पक्का पक्का, जा जल्दी आना। नीचे हमें करनी थी रूम की सफाई क्योंकि आ रहे हैं आज घर पे कुछ गेस्ट, और इसके बाद हम सफाई करने के बाद हम वीडियो एडिट करेंगे। ऊपर बहुत ही ज़्यादा शोर हो रहा था, इस वजह से हमने सोचा यहीं पर फ़ैन ऑफ करके वीडियो एडिट कर लेंगे। तो पापा के फ्रेंड की वाइफ और सिस्टर लोग आ रही हैं, तभी हम घर की सफाई कर रहे थे। बेडशीट वगैरह बहुत गंदी हो गई थी ईद वाले दिन से बिछी हुई थी, लेकिन लोग आते हैं जब तो फिर कुछ ना कुछ हो ही जाता है। थोड़ा बहुत गंदा नहीं, ऐसे नॉर्मल तो इस रूम की बेडशीट उतनी नहीं गंदी होती है। ऊपर तो हर टाइम का उठना बैठना रहता है, तो वहाँ जल्दी गंदी हो जाती है। यहाँ तो अगर हफ्ते में भी चेंज करो तो ठीक ही रहता है। वो सारे फ्रेम्स अम्मी की शादी के हैं, ये छोटे से थे तो हम और सादियत भी लेके आए थे। लैम्प भी अम्मी की शादी का है, वो मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था। उस पर जितने पॉट्स हैं वो भी मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था, ये भी। बाकी बस ज़्यादा इस रूम में कुछ दिखाने लायक है नहीं। कर्टेन अच्छा लग रहा है, पहले जब सिर्फ इसको डाली थी अम्मी तो अम्मी को नहीं अच्छा लग रहा था, कहीं बहुत अजीब लग रहा है रूम, मतलब डार्क कलर की कर्टेन बेडशीट अम्मी को नहीं पसंद है, चाहे जितना धुलना पड़े उन्हें लाइट ही पसंद है। तो लेकिन फिर जब ये पूरा लग गया ना, और फिर जब लाइट कलर की बेडशीट डाली तो अम्मी की नहीं अच्छा लुक अच्छा आ रहा है। फर्नीचर भी अम्मी की शादी का है, बस इसमें थोड़ा सा पहले से बहुत ड्रॉर्स वाला चलता था तो ये वो था, फिर थोड़े टाइम बाद अम्मी ने इसको चेंज करा दिया था। अभी हम उस टाइम ये चल रहा था, फिर अभी हमें लग रहा है कि वो कुशन वाला करा दें। अभी अम्मी को उसके लिए तैयार करने में थोड़ा टाइम लगेगा। अभी 10:40 हो रहे हैं, ये रूम क्लीन करने के बाद हम यहीं पर करने लगे थे वॉइस ओवर। और आज ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं करना था, जब वॉइस ओवर करना रहता है वीडियो एडिट करने में तब ज़्यादा टाइम लगता है, लेकिन सारी वीडियोज़ में बोल के ही हमने बनाया था तो लगा एडिटिंग में शायद 40 मिनट लगा है, नहीं तो फिर 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रेडी होने, क्योंकि आज जाना है अलकमंटी के घर। गाइस अभी हम हो रहे हैं रेडी, ईद हो गया, आज हो रहा है मेकअप। अरे ये अभी बोली भी है कल याशी ने मेकअप किया था, तब से हमें मन था कि हम भी मेकअप करेंगे। यहाँ पे हम लोग की वजह से नमाज नहीं पढ़ पाते, तो आज हमने वजू करके मेकअप किया है। अब अल्लाह ने चाहते इसी वजह से नमाज होगी, नहीं तो फिर हमने सोचा रेड वाइट रखेंगे रिमूव करके फिर पढ़ लेंगे नमाज। लेकिन आज हल्का सा थोड़ा न्यूड सा मेकअप करना ही हमें। अब भी पीछे घूमो तो ड्रेस दिखा दे। ये है मेरा आज का आउटफिट गाइस। इसका दुपट्टा बहुत अच्छा, इतने अच्छे से हेड कवर भी हो गया। अच्छा पीछे से मेरा बाल आ रहा होगा ना? है ना? यहाँ पे भी कर रहे हैं बनाने का। लिपस्टिक भी लगाएंगे? लगाएंगे बहन, क्यों पतली हो रही हो? अपनी अपनी भी आपकी दोनों की लगा। मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप कराने का मन नहीं कुछ और, वो भी फ्री में। हां लाइनर लगाओ या आयू? हूं नहीं, मस्कारा अपने ऊपर लाइनर शूट करता है बहुत। अरे कल जैसे ही हम फिलहाल मेरी आंखों पे लाइनर अच्छा नहीं लगता, और हमें यहाँ अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता है यू, देखो हुडेड है ना, और बन बन आंखें लगने लगते हैं, और हम लगाए भी हैं बहुत साल पहले लाइनर। सामने देखो सामने, अम्मी उठा लीजिए।
गाइस हम लोग निकल चुके हैं। हाया अपनी मर्सिडीज में बहुत आराम से बैठी है। क्या आया एकदम कंफर्टेबल। हाया को आज जाना था और अम्मी को पता नहीं था, लगा हाया रुकेंगी इसलिए उनका शूज धुल दिया गया था, वो गीला, इसलिए हाया ऐसे बैठी है ना हाया। और ये मैम है, ये भी हम लोग के साथ जा रही है। क्या मैडम आया गाइस अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। हाय बॉस, है कैसे चल रहे? मस्जिद भी है, मस्जिद है, वो मजार है। बार होता है क्या हुआ मंटी का फेस कौन पिया है ये पानी? पियोगे और पियोगे? नहीं राइट दोनों हाथ से। ये देखो इसका सिस्टम सही है, बहुत अच्छा लग रहा है ड्रेस तुम लोगों का। देखे तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है, किसी को मंगाए तो ये तुमको नहीं, यही बताई थी तुम। हाँ, हाँ। अच्छा जो ईद वाले दिन पहनी थी वो भी अच्छा लग रहा था। और क्या करेगा, फूक भी लगा दो मैरिज, फूक लगा दो। गाइस मेरी बहन बहुत जल्दी भांजी देने वाली है, सब लोग दुआ कीजिए भांजी देना। ऐसे ना बोलो, जब भांजी मांगते तो भांजा ही आता है, सबको मांगे सब आए, सब भांजी है। तू तो मेरा भाई है। नहीं हम भाई हैं, नहीं हम दूसरे के भाई गाइस ने हमारा फेयरवेल की फोटो रखी है, तुम क्यों नहीं हो इसमें? ये लड़की हमारा की बेस्ट फ्रेंड थी, अभी भी बेस्ट फ्रेंड है, थी, निकल गया गाइस। ये कहना चाहती है नहीं है वो बात, बेस्ट फ्रेंड जो होते हैं ना वो छोड़ते नहीं है, महीने दो महीने में बात करें लेकिन बात करते हैं। जैसे अब दीपाली है मान लो, क्या कर दी जैसे दीपाली दीपाली आंटी सॉरी। अरे दीपाली दादी वो भी हमें फिल्म की फैन है। ये महिला आई और काम करने लगी, अच्छा लग रहा है सूट बहुत। हम इसको कहते हैं तुम बिरादरी वाला लेती हो, कहीं नहीं अपनी लड़की वाला लिए खड़ी हो। हाँ प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। हाँ एक्चुअल में शोएब अप्पी अच्छा लग रहा है। हमें तुम्हारी दिल की बात जाननी है। हाँ थोड़े
ये देखो कैसे मेरी आधी वीडियो ब्लर हो रही आधी बन रही। अभी हम लोग खाने जा रहे हैं लॉलीपॉप। नशे की चीजें खाती है, सुपारी हमें तो दिए हैं वो वाला बॉटल। पास 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 नशेड़ी है ना, तो पास पास क्या है पान मिलेगा। पागल हो क्या, हम क्या ये 100-150 ये बुंदी सुपारी खा रही है। गाइस यहाँ रील्स बन रही हैं और ये नाट्य फोटोग्राफर है। है भाई क्या कह रहे थे बताओ। टॉफी बहुत अच्छी है, 5-6 ऐसे मत बोलो, कोई दावत नहीं देगा। पूरा जार तुमको दे देंगी, मांगने में मजा नहीं आएगा ना, चुराने में मजा आएगा। चोर पूरा बंद करो भैया, वो ब्लैक वाला चूरन दे देना और वो इमली टॉफी दे देना। चूरन वाले कितने का हुआ भैया? तुम बहुत महंगा देते हो, 20 रुपीज बहुत अंग्रेज चूरन वाला है। 20 रुपीज 10-10 मतलब 10-10 मेरी प्यारी बहनिया, कब बनेगी दुल्हनिया? सर हम नहीं जानते, यही देगी जो खा रही है। चलो गाइस यहाँ पे चिकन लॉलीपॉप चल रहा है, गेम चल रहा है। रयान के साथ एक बहुत बड़ा वो हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी, लेकिन वो अपने आप इसकी पूरी स्क्रीन चली गई थी, फोन ऑफ हो गया, उसके बाद फिर स्क्रीन सही हो गई 2 दिन बाद। ए जा नमाज का हमें मेरी बचपन से आदत है किसी की भी स्लीपर रहे तो एक बार ऐसे जरूर पहनना, प्यारी लग रही। जानो माउस कहाँ है मुंतजिर, बता दे क्या आपका फ्रेंडा बुला रहा है। अभी यहाँ बहुत अच्छी बातचीत चल रही, इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है, उसमें लोग बहुत मस्ती करते हैं। क्या नाम है? तुम लोग हम लोग को क्यों नहीं ऐड किए? तो हम लोग क्या इतने बड़े हैं? क्या देंगे बुढ़ी हो तुम लोग, जाओ ओल्ड एज होम। मेरी हया, मेरी हया का क्या, मेरी हो आया था सलमान बताया। मैं यहाँ पे प्लानिंग चल रही बहुत दिनों की, तुम्हारा भी रिएक्शन दिखा दे, तुम सबका दिखा रही हो, इतनी सीधी क्यों बन गई? मेरी सुंदरी कन्या अब नहीं हो रहा, अभी जब नहीं बनाया तो कितने अब होगा, चला जा रहा है। और अभी आंटी बना रही है बिरयानी, शोएब अप्पी कर रही है उनकी कामों में हेल्प। और हम यहाँ थे तभी जो गेस्ट घर पे आने थे वो आ गए थे, अम्मी ने हमें कॉल किया था लेकिन अम्मी ने बोला कि वो अकेले ही सब कुछ मैनेज कर ली हैं। तो फिर हम इत्मीनान से फिर खाना पीना खा लिए थे जब सब लोग जा रहे थे, तभी हम भी वापस हुए थे, नहीं तो हमें शायद थोड़ा जल्दी जाना होता। रोक जा बोल जाएगी।
चल रहा है, ये हर बात पे तो गेम ही आ जाता है आगे। तो जो चलता है वो बोलते आप मुंह बंद रखा करें, नहीं किस कर लेंगे। तो भैया इनकी किसकी बीमारी बहुत है। देवा ने बहुत सुंदर चेन ली है, हाँ इन्हें बहुत सुंदर ब्रेसलेट आरजेप ने गिफ्ट किया था। दिल आ गया इस चेन पे, सब लोग एक एक चीज दे दो, तुम ब्रेसलेट दे दो, तुम चेन दे दो, रिंग भी दे दो, कपड़ा ही दे दो, चाय गरम चाय अब जाए क्या गाइस, इधर खाना स्टार्ट हो गया है। चढ़ के बैठो तो गाइस जारा को देखिए, जारा खाने का इंतजार करते हुए, अभी तक खाने नहीं दिया गया। गाइस इन लोगों को देखिए, भी जारा अभी हमें भी नहीं मिला ना। सॉस अच्छा लग रहा है ना, शोएबा पे बहू होने का फर्ज निभाती है। क्या साथ में काम करवा के, दीपाली दीदी अभी पी ली है तो अभी एकदम टल्ली हो गई है। जेवन ने शॉर्ट फॉर्म में निकाला है। गाइस यहाँ सब कुछ हो चुका है, खाना पीना फिर से सेटअप रेडी कर दिया गया है, देवा भाजी सफाई करते हुए। पैर उठाने नहीं, अब तुम भी साफ हो जाओगे। बहुत सही रहता है ना इससे। जा रहे हैं जारा, बाय। जा रहे हैं, नहीं हेल्प करते। चलिए बहन, अभी हम लोग जा रहे हैं घर। और घर आने के बाद हम लग गए थे मेकअप करने में, आज एक इंगेजमेंट बैठ थी तो अभी हमने उनका मेकअप किया, उसके बाद फिर हम लोग गए अपने फ्रेंड के घर। तो साबरीन ने हम लोगों को कल ही इनवाइट किया था लेकिन शबाना फूफू के घर जाने की वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे, तो अभी मेकअप करके जैसे ही फ्री हुए वैसे ही हम लोग चले गए क्योंकि टाइम का बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। और ये बोल हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस टाइप हमने ऑनलाइन देखा था लेकिन वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसिव था, शायद 8-9 हज़ार का था, वो माई नाइका पे शायद दे रहा था तो उस पर चीज़ें थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं। तो यहाँ हम देख के बिल्कुल भी खुश हो गए, फ़िलहाल यहाँ काफ़ी पुराना है, मतलब वही चीज़ें पुरानी रहती वही नई होती है, लेकिन जो भी था इसका पैटर्न डिज़ाइन हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अभी हम लोग इन्जॉय कर रहे थे वहीं, और साबरीन की आंटी हैं सकीला अप्पी, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनाती, उनके हाथ की तहरी हमें बहुत पसंद है तो वो जब भी तहरी बनाती मेरे लिए भेजती है, मतलब हर उनके हर चीज़ में बहुत स्पेशल सा टेस्ट रहता है। और यहाँ पे साबरीन ने काफ़ी अच्छा सेटअप किया था, ये LED लाइट वाला हमने सोचा था लेकिन हम नहीं कर पाए, तो अभी यहाँ पर देख के एकदम खुश हो गए। तो ये था मेरा ईद का सेकेंड डे का व्लॉग, होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्लीज़ मेरे व्लॉग को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, ऐसे ही हमारे ऊपर अपना प्यार बनाए रखिए।